ये जितने घोटाले की चर्चा हो रही है, अगर बीते 9 साल के दौरान हुई है तब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर सवाल है, अगर ये घोटाले उससे पहले के हैं तब भी उन पर ही सवाल है कि एक्शन कहाँ है। एक तो चारा तो ले रहे हैं, तो आप लोग कह रहे हैं ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। हम तो पूछ रहे हैं कहाँ किस घोटाले, चारा घोटाले की जो जांच हुई उसका आदेश आरजेडी की सरकार में ही दिया गया था, पुरानी बात हो गई। जो बात घोटाला कांग्रेस की सरकार में जितने जो लोग भी जेल गए थे, जांच का आदेश कांग्रेस की सरकार में दिया गया था, यूपीए की सरकार में। भाई ऐसी कौन सा, ऐसा कौन सा घोटाला है जो विपक्ष का, जिसको कि इन्होंने भ्रष्ट किया बंगाल में? लेकिन नहीं नहीं, बंगाल में शिक्षक घोटाला अभी जो बहुत बड़ा आपने देखा होगा, जो शिक्षक घोटाला हुआ था उसकी बात प्रेम कुमार जी, अब उसके बाद सुनिए कि और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कि बलात्कार का आरोपी है उसके पीछे सरकार खड़ी हो जाती है बचाव करने के लिए। और भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है ऐसा ऐसा दावा करती है और एक के बाद एक किसी घोटाले की जांच नहीं करती, हिंडनबर्ग की जांच नहीं करती, राफेल की जांच नहीं करती, पीसीसी बनाने का नाम नहीं लेती। आप जांच ही नहीं करेंगे, जेल क्या भेजेंगे? आप तो हर कल्प्रिट के साथ खड़े हो जाते हैं, तो आपका क्या मुंह है? आप एक्शन लीजिए, साबित कीजिए। भाषण क्या दे रहे हैं? 9 साल के बाद भाषण देने का समय नहीं है, आपको दिखाना है कि आपने किया क्या है। बोल तो रहे हैं, वो गारंटी देता हूँ एक एक पर कार्यवाही होगी, आज तो गारंटी दी प्रधानमंत्री। क्या अगला 5 साल जनता आपको देने वाली है? नहीं देने वाली है। आपने 9 साल में क्या किया उसके हिसाब से वो वोट देगी या नहीं देगी? इस हिसाब से नहीं देगी कि हमने कुछ नहीं किया आगे करेंगे, इस हिसाब से जनता वोट नहीं देगी जी।